हेलो फ्रेंड्स, आज हम HTML5 सीखेंगे। HTML5 सीखने के पहले हमें HTML और CSS के बारे में पता होना ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो में हम HTML और CSS का इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर HTML5 के फीचर्स देखेंगे। HTML होता है एक मार्कअप लैंग्वेज जिससे हम स्टैटिक वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। मार्कअप लैंग्वेज में कमांड्स लिखे जाते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स में। अब इन कमांड्स को किस तरह से लिखा जाता है ये देखने के लिए हम HTML का प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ बहुत से मार्कअप कमांड्स दिख रहे हैं जिन्हें हम कहेंगे टैग्स। यहाँ पे सारे ही टैग्स पेयर में दिख रहे हैं। पेयर टैग्स मतलब इसको ओपन टैग और क्लोज टैग दोनों होते हैं। ओपन टैग से मार्कअप कमांड का इफेक्ट स्टार्ट होता है और क्लोजिंग टैग जिसका नाम ओपनिंग टैग के नाम जैसा ही होता है लेकिन इस नाम के पहले हम लिखते हैं फॉरवर्ड स्लैश। क्लोजिंग टैग से ओपन टैग से स्टार्ट किया हुआ इफेक्ट खत्म होता है। हर HTML फाइल में एक रूट टैग होता है जो पेयर टैग है, वो है HTML टैग। ये इंडिकेट करता है पेज कहाँ स्टार्ट हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है। रूट टैग के अंदर दो पेयर टैग्स हैं, हेड और बॉडी। हेड टैग में पेज के बारे में हेडर इंफॉर्मेशन लिखा जाता है और बॉडी टैग्स के अंदर पेज पे जो डिस्प्ले करना है वो लिखते हैं। कोई टैग्स सिंगुलर टैग्स भी होते हैं। इनका इफेक्ट एक ही टैग से स्टार्ट होता है और एंड होता है। BR टैग यूज होता है लाइन ब्रेक के लिए। HR टैग यूज होता है हॉरिजॉन्टल रूलर के लिए। IMG टैग यूज होता है इमेज डिस्प्ले करने के लिए। इन दोनों ही टैग्स मतलब पेयर टैग्स और सिंगुलर टैग्स के साथ हम लिख सकते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स से हम इन टैग्स को एडिशनल फीचर्स असाइन कर सकते हैं। यहाँ हमने फॉन्ट टैग यूज किया है और इसमें स्पेस सेपरेटर यूज करके हमने कुछ एट्रीब्यूट्स लिखे हैं। पहला एट्रीब्यूट है नेम, जो इस एट्रीब्यूट का नाम है, और इक्वल टू ऑपरेटर के राइट साइड पे हमने लिखा है उसका वैल्यू जो है एरियल। दूसरा एट्रीब्यूट है साइज और उसका वैल्यू है 20। थर्ड एट्रीब्यूट है कलर और उसका वैल्यू है रेड। अब एक सिंपल HTML पेज क्रिएट करते हैं। इसका कोड हम लिखेंगे नोटपैड प्लस प्लस पे। आप इसे नॉर्मल नोटपैड में भी लिख सकते हो। सबसे पहले HTML का कोड स्ट्रक्चर लिखेंगे। टाइटल टैग से वेब ब्राउजर में वेब पेज का टाइटल दिखेगा। डिव टैग से ग्रुप क्रिएट होता है। यहाँ हमने टैग्स के दो ग्रुप क्रिएट किए हैं। IMG टैग से इमेज डिस्प्ले होगा।
H1 टैग से हमारा टेक्स्ट लार्ज साइज में दिखेगा। ऐसे यहाँ पे H1 से लेके H6 तक हेडर टैग्स दिए हैं। बुलेटेड लिस्ट दिखाने के लिए हम यूज करते हैं UL टैग। UL का फुल फॉर्म है अनसॉर्टेड लिस्ट और इसके अंदर लिखा है LI जो है लिस्ट इंडेक्स। इसका आउटपुट देखना होगा वेब ब्राउजर में। इस आउटपुट से हमें ये समझ रहा है कि HTML के हर टैग का एक स्पेसिफिक बिहेवियर है। अगर इस वेब पेज को हमारे हिसाब से फॉर्मेट करना है तो हम यूज करेंगे CSS। CSS का कोड हम HTML के हेड सेक्शन में या अलग फाइल में भी लिख सकते हैं। सेम फाइल में CSS लिखने के लिए हमें यूज करना होगा टाइल टैग। अब जैसे कि हमें LI टैग को डेकोरेट करना है तो देखते हैं कि CSS में उसे कैसे लिखते हैं। स्टाइल टैग के अंदर हम नाम लिखेंगे उस टैग का जिसे हम डेकोरेट करना चाहते हैं। उसके आगे हम लिखेंगे ब्लॉक, दैट इज ओपन करली ब्रेस और क्लोजिंग करली ब्रेस। इस ब्लॉक के अंदर हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज जिससे हम इस टैग को डेकोरेट करेंगे। प्रॉपर्टी का वैल्यू असाइन होगा कोलन से। डिस्प्ले प्रॉपर्टी से हम टैग का लेआउट चेंज करेंगे। हर टैग का डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू अलग होता है, जनरली ये इनलाइन या ब्लॉक होता है। ब्लॉक का मतलब है ये टैग न्यू लाइन पे स्टार्ट होगा और आउटर कंटेनर का फुल विड्थ लेगा। डिव, पी, फॉर्म और HTML5 के हेडर, फुटर, सेक्शन ऐसे टैग ब्लॉक एलिमेंट्स है। डिस्प्ले प्रॉपर्टी का इनलाइन वैल्यू सेट करके हम कंटेंट को सेम लाइन पे रख सकते हैं। HTML में पैन ए यानी एंकर टैग जो पेज नेविगेशन के लिए यूज करते हैं, इनका डिफॉल्ट वैल्यू होता है इनलाइन। लेकिन डिस्प्ले को इनलाइन वैल्यू देने से हम उसका विड्थ और हाइट सेट नहीं कर सकते। इसलिए अगर हमें कंटेंट को सेम लाइन पे भी रखना है और उसका विड्थ हाइट भी सेट करना है तो हम लिखेंगे इनलाइन डैश ब्लॉक। प्रॉपर्टीज को सेपरेट करने के लिए हम सेमीकोलन यूज करते हैं। अब इसका आउटपुट देखते हैं। अब ये देखना होगा कि HTML5 में नया क्या है। एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि HTML5 HTML4 को कंपैटिबल है, लेकिन यहाँ पे हेड टैग लिखना जरूरी नहीं है। लिख भी सकते हैं क्योंकि ये कंपैटिबल है। अगर नहीं लिखेंगे तो बॉडी टैग के ऊपर जो भी लिखा होगा वो कंसीडर किया जाएगा हेड टैग में। HTML5 इंट्रोड्यूस कर रहा है बहुत से ग्राफिक्स टैग को, जैसे कैनवास है या SVG है, और वो मल्टीमीडिया टैग्स को भी सपोर्ट करता है जैसे ऑडियो और वीडियो। HTML4 से हम कोई डेटा क्लाइंट साइड पे स्टोर नहीं कर सकते थे, लेकिन HTML5 लोकल स्टोरेज को अलाउ करता है। HTML में हम इनपुट लेने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म या लॉगिन फॉर्म या फीडबैक फॉर्म ऐसे फॉर्म्स यूज करते हैं, जिनके लिए हम यूज करते हैं इनपुट टैग, सिलेक्ट टैग, टेक्स्ट एरिया टैग एक्सेट्रा। HTML5 ने कुछ एडिशनल फीचर्स दिए हैं, जैसे कि कुछ नए टैग्स जैसे डेटा लिस्ट या आउटपुट टैग। इसी तरह इनपुट टैग के लिए कुछ नए एट्रीब्यूट्स भी दिए हैं, जैसे कि डेट, टाइम, नंबर, रेंज, ईमेल, URL एक्सेट्रा।